यस, गुड मॉर्निंग बेटा. लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन. फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स. क्लास मार्क इज गिवन, लोअर लिमिट इज गिवन, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास. व्हाट इज क्लास साइज? व्हाट इज क्लास साइज? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. क्लास साइज मींस क्लास विड्थ. हाँ जी, करो करो करो, क्लास मार्क लिख दो. अपर लिमिट फाइंड करनी है, लोअर लिमिट लिख दो. अब नेक्स्ट 80. क्या 80? क्लास मार्क दिया हुआ है. अच्छा, क्लास मार्क दिया है. अच्छा अच्छा, आपने सुन के चेंज कर दिया. मुझे लगा कि क्लास साइज दे रखा है, जबकि क्लास मार्क दिया हुआ है. ठीक है ठीक है. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय टू, शॉर्ट में लिखो यूएल. आप अपना करो, मैं तो मैंने देखा ही नहीं दिया क्या, वो मुझे लगा साइज दे रखा है. आंसर इज 87. एनी डाउट? एनी डाउट? आशना आ जाओ. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी. फॉर्मूला फॉर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज, बोलो प्लीज. टेस्ट दिया है कल आपने, कैसे दिया टेस्ट फिर? और मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया नहीं, अभी दो तीन दिन पहले भी किया हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी. 2-3 क्वेश्चंस किए थे उस दिन सेम डे. बोलो कब कर दो फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज. पहले सबके क्लास साइज निकाल लो. बोलो फॉर्मूला. इंटू मिनिमम क्लास साइज. सिट डाउन.
क्या कह रहे हो? क्यों नाइन क्यों आएगा? तो टेन ही आएगा, दोनों का डिफरेंस होता है, दोनों का डिफरेंस होता है। मैं चेक करती हूँ, आप करो आगे। ठीक है, दिस इज द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। यू कैन यूज दिस टू ड्रॉ इससे क्या ड्रॉ कर सकते हो आप? कौन सा ग्राम? हिस्टोग्राम। ड्रॉ करो हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ड्रॉ करो। दिव्या आ जाओ, ड्रॉ करो, ये रब कर दो इस साइड पर ड्रॉ। बच्चे मैंने आपको ये रिजल्ट बताना था, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल है। ये जो एंगल ये है ना 50 है, ये एंगल जो आएगा ना एंगल ओ दैट इज 90 माइनस एंगल ए बाय 2। इफ यू वांट टू सी द प्रूफ यू कैन चेक इट आउट इन योर बुक, क्योंकि अभी तो प्रूफ है नहीं, एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो यू कैन लर्न दिस रिजल्ट। अगर ट्रायंगल के बाहर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ये जो एंगल है इसका हाफ करके 90 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, 90 माइनस इसका हाफ करोगे क्या आएगा? 50 का हाफ क्या होगा? 25। तो 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 65। तो ये एंगल आ जाएगा 65। और अगर ये ट्रायंगल अंदर की बजाय, ये बाहर की बजाय इसके अंदर बन जाए ऐसे, तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बस ये लर्न रख लो, ठीक है। और प्रूफ आपकी बुक में दिया हुआ है, ये वाला भी दिया हुआ है, नेक्स्ट वाला भी, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप लर्न कर लो कि बाहर है तो 90 माइनस ए बाय 2 और अंदर है तो 90 प्लस ए बाय 2। जो ऊपर वाला एंगल होगा उसमें उसका हाफ करके 90 में प्लस या माइनस कर, ठीक है। रख कर दो, नेक्स्ट का बना दो। हाँ जी, बस सॉल्व करके आंसर मार्क कर देना। क्या कह रहे हो? ये देखो कितना ज्यादा ये ब्लर दिख रहा है।
इसका आंसर 80, 60, 140 आ रहा है आंसर। स्वामी इसके बाद आपकी टर्न है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। यस ब्रिजेश, ठीक है ब्रिजेश अब चेक करो। ठीक है ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो फाइंड की है इससे रिलेटेड ये हिस्टोग्राम ड्रॉ होती है। जब भी इंटरवल्स होते हैं यू ऑल नो दैट वी हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ठीक है चलो वो स्टार्ट करो, उसमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है। हाँ सर सर मगन आ जाओ, ये रब कर दो, ये करो थर्ड क्वेश्चन। Yesterday in the test, one question was there na to find the adjusted frequency of this class. एक particular class की निकालनी थी। ये तो हमने पूरा table draw क्यों यही करना था जो अभी की है। Frequency upon class size into minimum class size. उसमें एक particular class की निकालनी थी। यहाँ पे पूरा table बनाया ना, इसमें एक particular class की निकालनी थी। Dark लिखना थोड़ा बच्चे। विजिबल नहीं होता। कर ली फोर्थ का आंसर क्या आ रहा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या है लास्ट का? कर लिया सॉल्व इसका? हंड्रेड। हाँ जी जेड कैसे आएगा?
एक्सटीरियर एंगल, छोटे वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है ना, इसका एक्सटीरियर एंगल है जेड है, हाँ वाई निकाल लो, वाई निकाल लो, फिर जेड से एक्स और वाई का सम करके वाई ट्रायंगल लो, देखो किस ट्रायंगल में आ रहा है नहीं ये भी किसी और में देखो है, बोलो बोलो, ईबीसी में आ रहा है, क्या हुआ है? हाँ वो रब कर दो एक्स वाई जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड लिखो ना, अब आगे लिख दो, आगे लिख दो एक्सटीरियर एंगल, ठीक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी नहीं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बस, चलो एक्स वाई की वैल्यू पुट करो जेड आ जाएगा। नेक्स्ट जसलीन आ जाओ, ये करोगे आप वही नहीं, प्लीज आ जाओ, 8 + 6 = 14, ये निकाल लें, ये 100 आएगा नहीं, पहले ये साइड इक्वल है ये निकाल लो, उससे ये पूरा एंगल आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये निकाल लो, चलो आओ रब करोगे, देखो डस्टर दो, कैसे करेंगे सॉल्व करो, आपको बुलाया है सॉल्व करने के लिए, आप मुझसे पूछ रहे हो कैसे करेंगे, ये साइड और ये साइड सेम है, फिर दूसरा एंगल कौन सा होगा, जाओ सौम्या आओ इधर,
आओ सौम्या जल्दी करो, जल्दी आओ, सॉल्व नहीं करना एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, बस मीनिंग एक्सप्लेन कर दो। हाँ कैसे फाइंड करेंगे, एक मिनट ये साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल 40 हो जाएगा। ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाला एंगल तो 40 हो जाएगा फिर लाउड हो और ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। लाउड बोलो, लाउड एंगल सम प्रॉपर्टी से 40 प्लस एंगल 1 एंड ये वर्टिकली ऑपोजिट क्या आएगा, एंगल 100 100 आएगा। बाहर वाला एंगल कितना आ जाएगा, 100 वर्टिकली ऑपोजिट। बच्चे ये 40 गिवन है, साइड्स इक्वल है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये भी 40 हो जाएगा और एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल आ जाएगा 100। ठीक है, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये 100 है तो ये भी 100 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये साइड्स इक्वल दी हुई है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये दोनों बेस एंगल इक्वल होंगे, कितने आएंगे ये 30 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल, ये एंगल 30 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 70, ये 70 तो ये भी पूरा एंगल 70 70 70 140, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, चलो लिखो। हाँ जी, नहीं लग सकती ये वाला, हाँ ये लग सकता, नीचे वाला नहीं लग सकता, ऊपर लग सकता। ठीक, ये करो सिंप्लीफाई, ये करो सॉल्व। आ जाओ दीप्ति, ये वाला क्वेश्चन करो फर्स्ट। चौक ले लो, चलो एट को सॉल्व करो टू की फॉर्म में, ये रब करो गलत है, एट को एट के फैक्टर्स करो टू की फॉर्म में, क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है, क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा है पहले से, रब करो ऊपर करो। हाँ पावर एट को लिख दिया टू इंटू टू इंटू टू, पावर थ्री लिखो, होल पावर थ्री लिखो बच्चे, सेवन नहीं आएगा, 13 आएगा। नहीं 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 अंदर है, टू इंटू टू इंटू टू मतलब टू की पावर कितनी होगी, टू की पावर थ्री और फिर थ्री ऊपर और है तो कितना हो गया, नाइन लिखो, और वो टू रेस टू पावर फोर सेम है, बिल्कुल बेस सेम बनाएंगे तभी पावर ऐड होंगी ना, तो पहले एट को लिख दिया टू रेस टू पावर थ्री 13 वो, चलो
जतिन नेक्स्ट आपकी टर्न, जल्दी आओ। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन रब कर दो ऊपर वाला, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, रब कर दो। थोड़ा डार्क लिखना, छोटा लिखना। हाँ जी लिखो। चॉक चेंज करो। लिखने का तरीका तो देखो, लिख ठीक रहे हो, लिख तो देखो, दूसरे के ऊपर लिखते जा रहे हो, क्या वो स्पेस नहीं है बोर्ड पे? कोई ब्रैकेट नाम की चीज, कोई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नीचे डाल रहे हो, ठीक तरह लिखो, ऐसा लग रहा है जैसे मजबूरी में आए हो बोर्ड पे। लिख रहे हो अच्छे से, प्रेजेंट तो करो कम से कम। चलो लिखो, हम मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, एक दूसरे के ऊपर लिख देते हैं वर्ड्स। नीचे लिखो, स्पेस देखो, स्पेस ये देखो, पता चल रहा है एक स्टेप है कि दो स्टेप है? रब करके नीचे लिखो, हाँ नीचे लिखो, गैप डाल के। क्या आएगा आंसर? नीचे लिखो इसके इक्वल, हाँ नीचे लिखो। हाँ अब देखो, पता चल रहा है कुछ स्टेप लिखे, एक दूसरे के ऊपर लिखते जा रहे हो। जाओ चलो नेक्स्ट आ जाओ। ओके हेलो, 163।